हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 21 मार्च 2022, क्रमांक संख्या 50 आज की कार्य पत्रिका कक्षा 5 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये पठन अभियान की वर्कशीट है। 10वां सप्ताह, विषय थी स्वयं पर भरोसा। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का नाम। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में आज की। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार किसी किताब को उनके आवरण से नहीं आंकना चाहिए, उसी प्रकार किसी भी प्राणी को उनके रूप रंग से नहीं परंतु उनके गुणों से पहचानना चाहिए। आइए इस बात से जुड़ी एक कहानी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें किसी भी किताब को उनके आवरण से नहीं आंकना चाहिए, और जैसे किसी भी प्राणी को उसके रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए, उनके गुणों से आंकना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी से जुड़ी एक कहानी पढ़ते हैं। बच्चों क्या दिया गया है कहानी में देखते हैं। एक कौवा था जिसका नाम पीकू था। वह जब भी अपने आप को शीशे में देखता तो खुद पर बहुत शर्म आती। एक दिन उसने कोयल को गाते हुए सुना। वह भी उसके जैसा मीठा गाना चाहता था। उसने कोयल से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी काँव काँव से परेशान होकर कोयल ने उसे सिखाने से मना कर दिया। समय बीता और कौवे ने अलग अलग पक्षियों की तरह बनने की कोशिश की। कभी वह मोर से नाच सीखने जाता तो कभी बाया से घोंसला बनाना सीखना चाहता। तब यहाँ पे देखिए आगे क्या हुआ। नाकामयाब होने पर वह रोता हुआ उल्लू जी के पास पहुँचा। उसने उल्लू जी से पूछा, क्या मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं काम का हूँ? तो सभी पक्षियों के पास कोई न कोई हुनर है, पर मुझ में ऐसी कोई बात क्यों नहीं है? तो यहाँ पर वो जब ये सब उपाय करके यहाँ पे देखिए बच्चों, वह पहले कोयल से गाना सीखने गया था तो काँव काँव ही कर रहा था, तो कोयल परेशान होकर उसे गाने से मना कर दिया, गाना सिखाने से। फिर वह समय बीतता गया और वह कोशिश करता रहा मोर की तरह नाचना, बया की तरह घर बनाना सीखने की, पर वह कुछ कर नहीं पाया। इससे वह नाकामयाब होकर रोता हुआ किसके पास गया बच्चों? ये उल्लू के पास। उसने उल्लू से कहा कि क्या मैं इस दुनिया में किसी काम का हूँ? सभी पक्षियों के पास कोई ना कोई हुनर है, पर मुझ में ऐसी कोई बात क्यों नहीं? तो ये उल्लू से वह प्रश्न पूछता है। तभी उल्लू जी ने उसे समझाया, प्यारे कौवे, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। हर प्राणी का इस धरती पर कोई ना कोई कार्य है। कौवे और गिद्ध जैसे पक्षी मरे हुए जानवरों को खाते हैं और इससे धरती की सफाई होती है और कितनी ही बीमारियां फैलने से बचती हैं। प्रकृति को संतुलित रखने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अपने बारे में इतनी खास बात सुनने के बाद कौवे को खुद पर गर्व महसूस हुआ। फिर कभी उसने अपने आप को बेकार नहीं समझा। तो उल्लू ने उसे इतना बढ़िया तरीके से बच्चों समझाया कि कौवे और जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं और धरती को सुरक्षित रखते हैं और बीमारी होने से बचाते हैं ताकि कोई बीमारी ना फैले और प्रकृति का संतुलन बना रहे। इस तरह से कौवे और गिद्ध हमारी काफ़ी मदद करते हैं। इतनी अपनी तारीफ सुनकर उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। फिर उसने कभी भी अपने आप को बेकार नहीं समझा। तो बच्चों आपको ये कहानी मज़ेदार लगी ना? चलिए आगे देखते हैं भाग संख्या 1। बच्चों आपका सबसे प्रिय मित्र कौन है? उसका नाम लिखिए। आपको वह किन विशेष गुणों के कारण प्रिय है? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे आपको खुद से करना है, अपने प्रिय मित्र का नाम लिखना है और उसके कौन से विशेष गुण हैं जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, जिसके कारण वो आपका प्रिय है।
और उसे अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों, आपको अपने फ्रेंड की खूबियाँ लिखनी हैं। चलिए, आज का कोविड का मैसेज है कि अभिभावकों के लिए सुझाव है, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाएं कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आप को कभी किसी से कम मानकर कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। बच्चों, नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें बच्चों, सेफ रहें। बाय बाय।